हेलो दोस्तों, एक मिनट के बाद मैं आपको एक ऑडियो क्लिप पेश कर रहा हूँ और ये ऑडियो क्लिप मिस्टर नीरज कुमार का है जो कि एमटीएस है, गृह मंत्रालय के अंदर सीजीएल दो एमटीएस 2016 के थ्रू, और सारे सवालों का जवाब इसमें कवर है। और कुछ छूट जाए तो आप कमेंट में लिखिएगा। सीजीएल 18 से जो लोग पूछ रहे थे उनका भी जवाब इस कॉमेंट में है। उससे पहले बता दूँ मैं कि अनअकैडमी पर चल रहा है 3 मार्च से एक नया बैच, और अगर आप सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल किसी की भी तैयारी करना चाहते हो तो आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं इस पर, और आप चाहो तो फ्री क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। कोड है एसएससी प्रीवियस का यूज़ करके आप फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं, और आप चाहे तो कोई मंथली पैकेज या आप कोई 3-4 महीने का या 6 महीने का भी पैकेज ले करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। सारे चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है कम चार्जेस के ऊपर, ठीक है। और सीजीएल 2018 वाला जो मैं बता दूं आपको कि सीजीएल 18 के कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि अगर हम एमटीएस का रिज़ल्ट आ रहा है 5 तारीख को, अगर हम एमटीएस का ज्वाइनिंग पहले अगर आ रहा है कर लेते हैं और 3-4 महीने करके अगर सीजीएल का लेट में आता है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत होगी कि नहीं, वो भी इस ऑडियो क्लिप में आप सुन सकते हो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो नीरज, आप अपने बारे में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप अभी किस पोस्ट पर हो, अभी आपने कौन सा एग्जाम दिया था। सर, मेरा नाम निरंजन कुमार है और मैं 2016 में जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसी के थ्रू सिलेक्ट हुआ था, और मैं अभी गृह मंत्रालय में काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ओके ओके ओके। एज ए एमटीएस। तो देखिए, अगला सवाल मेरा ये आपसे है कि जो एमटीएस का पेपर होता है उसमें जैसे अभी फॉर्म आया हुआ है तो उसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं? वही पेपर होते हैं जो सीजीएल के प्री में होते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस। जीएस यही 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो एक तो ये पेपर हो गया और एक वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है ना इसमें, और डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग होते हैं केवल, उसमें आपको 50 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 16 या 17 वो पास करने जरूरी होते हैं बस। बाकी कितने मार्क्स का होता है ये आपका पेपर? हमारे से जब 2016 में एग्जाम हुआ था उस समय 100 क्वेश्चन थे लेकिन 150 नंबर के मार्क थे, हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1.5 का था, और मतलब 0. निगेटिव मार्किंग थी 0.25, इस बार से लग रहा है कि 100 नंबर के हो गए हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये पूछ रहे थे कि इसमें जो एमटीएस में जो पोस्टिंग मिलती है क्या सभी जितने भी डिपार्टमेंट जितने भी मिनिस्ट्री में पोस्टिंग होती है सभी में एमटीएस का ही काम होता है या कुछ और भी जॉब नेचर होता है सारी पोस्टिंग? देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी कितनी है। अगर कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली आजकल ये हो रहा है कि एमटीएस में ओवर क्वालिफाइड लड़के पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो वो एमटीएस से के एलडीसी या असिस्टेंट लेवल तक का भी काम कर सकते हैं वो सब। ओके ओके ओके। तो वो लोग सेक्शन में वैसा काम करवाने लगते हैं फिर डीलिंग हैंड। ओके 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 जी। वो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगली चीज ये है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग क्या सभी की तो एक जैसे आती नहीं होगी, डिले मतलब सबका अपना गैप अलग अलग होता होगा, तो मिनिमम कितना टाइम लग जाता है उसके? मेरी तो गृह मंत्रालय में हुई थी तो मेरी ज्वाइनिंग लगभग 2 से 2.5 महीने में ही आ गई थी। ओके। एक्चुअली मैं जब रिजल्ट भी नहीं आया था तो मैं दिल्ली तैयारी करने आ गया था सीजीएल का, तो तैयारी करने आ गया था सीजीएल का, तो यही रिजल्ट भी आया और मैं क्लासेस भी पकड़ लिया था, बट 2 ही महीने में मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। ओके। और मेडिकल वगैरह भी उसी के साथ ही? हाँ, मेडिकल के लिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के हॉस्पिटल से करा के लाना होता है। ओके, मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपका ये पहले मेडिकल वगैरह हो जाता है एंड देन उसके बाद ज्वाइनिंग करा दो? जी जी। ऑफर ऑफर अपॉइंटमेंट भेजा जाता है आपके होम एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे आएगा, और उसी के साथ आपको मेडिकल के लिए भी आपको भेज दिया जाएगा लेटर, ठीक है, कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराकर उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। ओके। और ये कह रहा था कि क्या सभी मिनिस्ट्री का ही ऐसा है कि मतलब सिर्फ होम मिनिस्ट्री का ही ऐसा था? एमटीएस में सारे मिनिस्ट्री में मेडिकल ऐसे ही होते हैं? नहीं, ये ज्वाइनिंग का जो बता रहे हैं 2 से 2.5 महीने,
नहीं नहीं सारे मिनिस्ट्री का नहीं, क्योंकि गृह मंत्रालय यहाँ सचिवालय का है तो इसकी ज्वाइनिंग थोड़ी जल्दी हो गई थी सर। अच्छा अच्छा, अगली चीज ये बताइए मुझे कि क्या एमटीएस में सभी लोगों की पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है कि दिल्ली से बाहर भी? नहीं नहीं, एमटीएस का जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय आपके आपसे च्वाइसेज मांगी जाती है कि आप पहला प्रेफरेंस क्या चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं, दूसरी प्रेफरेंस कहाँ चाहते हैं। तो अगर सपोज कीजिए आपको केवल दिल्ली ही चाहिए तो आप दिल्ली ही प्रेफरेंस डालिए केवल एक। तो ये वाली जो प्रेफरेंस है फॉर्म भरते वक्त की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं, यही लास्ट तक वैलिड रहती है, इसी के थ्रू आपको पोस्टिंग मिलती है। ओके ओके, जो फॉर्म भरते वक्त जो आप जी जी आप अभी भी जो फॉर्म भरेंगे लड़के अभी जो एमटीएस की वैकेंसी निकली है तो उसमें प्रेफरेंस मांग रहा होगा और जैसे प्रेफरेंस भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको स्टेट अलॉट होगी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, अगली चीज आप मुझे ये बताइए कि आप जो एमटीएस अभी लगेंगे प्रेजेंट टाइम में उनका सैलरी का क्या सीन रहेगा अभी इसमें? सैलरी अगर एक सिटी में वो है तो मतलब 24,200 से स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग 24,200 से? राइट जी, मेरी जो पहली सैलरी आई थी वो 24,200 ही थी एक सिटी दिल्ली के अंदर। तो ये कट कट के मतलब इन हैंड सैलरी बता रहे हैं? इन हैंड सैलरी मैं बता रहा हूँ सर। ठीक है, और कोई अलाउंसेस मिलते हैं क्या एमटीएस में? अलाउंस हर साल 5,000 ड्रेस अलाउंस मिलते हैं। ओके, और बाकी तो कुछ वैसा अलाउंस नहीं है, वही एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी नॉर्मल जो नॉर्मल सब जी। अगर आप एचआरए मिलता है, बाकी अगर नहीं लो तो टाइप 1 क्वार्टर मिलता है। तो क्वार्टर पर अवेलेबल हो जाते हैं क्या एनपीएस को दिल्ली में? हाँ, टाइप 1 में थोड़ा मिलना आसान रहता है जी, लेकिन थोड़ा दिल्ली में तो प्रॉब्लम है ही, आपको पता ही होगा सर। हाँ, स्टाफ का ज्यादा भीड़ तो दिल्ली में थोड़ा। तो बेटर क्या रहता है कि बाहर लेना कि या फिर क्वार्टर लेना, क्या बेटर रहता है वहाँ पे? नहीं, बाहर ही लेना बेटर रहता है एक्चुअली। आप उतने में 6,000 रुपए तो हम लोग को 5,400 रुपए मिलते हैं सर। ओके, तो आप अगर 1,000 या 1,500 लगा लो तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो वैसा वही बेटर रहेगा। अच्छा, अगली चीज की देखो, एमटीएस का जो लोग देते हैं पेपर मैक्सिमम लोग बैकअप के लिए देते हैं, मतलब कि कोई एक जॉब रहेगी फिर आगे दूसरा एग्जाम तैयारी कर लेंगे। तो स्टडी का टाइम, मतलब स्टडी टाइम का बताओ मुझे कि स्टडी टाइम क्या सीजीएल चाहे कोई अदर एग्जाम के लिए ये मिल पाएगा तैयारी का टाइम? हाँ बिल्कुल मिल पाएगा सर, बहुत ही नॉर्मल वर्कलोड रहता है, और आपको जैसे डीलिंग हैंड से जो भी फाइलें आती है बस उसको डिस्पैच कर देना है, जो अपर डीलिंग हैंड है उसको भेज देना है, या अलग अलग जो डीलिंग हैंड है उनको दे देना है, उसके बाद काफी टाइम में रहता है सर। जी सर, मैंने खुद सीजीएल की तैयारी मतलब एमटीएस का जॉब रहते ही की थी। मैंने बताया सर कि जब मैं दिल्ली आया था तो सर 2 ही महीने बाद ज्वाइनिंग आ गई थी, तो उस समय मैं सीजीएल की तैयारी ही कर रहा था। चे, चे, तो अच्छा, आप अपना एक बार स्कोर बता दीजिए, लोग सुन रहे हैं तो आप अपना एक्स्ट्रा स्कोर कमेंट करिए। मेरा सर 150 नंबर के एग्जाम थे तो मेरे 138.5 नंबर थे। ओके, एमटीएस में। और सीजीएल का क्या स्कोर बता दीजिए 18 वाला? सीजीएल 18 में मेरे 551 ओबीसी में है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये कह रहा था कि फिर टाइम स्टडी का कोई दिक्कत नहीं है मंत्रालय में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं अगर आप काम करें? कोई, और सारे जो डीलिंग हैंड और सारे ऑफिस के जो स्टाफ है काफी सपोर्टिव होते हैं, आप पढ़ेगा तो बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं वो लोग। ओके ओके ओके। अच्छा, ये कह रहे थे कि अगर छुट्टी वगैरह जैसे मान लीजिए लीव की बात करें तो इशू रहता है कि जैसे मंत्रालय में अगर आप अपनी जो लीव है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो लीव वही जो 8 कैजुअल लीव मिलती है, 2 RH रहती है और 30 EL रहती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं छुट्टी का, कोई इशू नहीं? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं होती है, आपको जब वो आप ले सकते हैं। और एग्जाम वगैरह होते हैं तो कोई ऐसा मन नहीं करते, मतलब कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्शन वहाँ नहीं है, मतलब कि आप मान लीजिए कई बार वर्कलोड ज्यादा? नहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और आप मिनिस्ट्री में आते ही आप इंटीमेशन दे दीजिए, वो जो उस सबके लिए ठीक रहता है, क्योंकि आपको बाद में हो सकता है टेक्निकल रेजिग्नेशन लेना पड़े तो बेटर रहता है। ओके, आप इंटीमेशन दे दीजिए कि कौन सा एग्जाम आप देना देने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। अच्छा, कोई ओवर टाइम वगैरह तो इसमें नहीं है ना एमटीएस में? नहीं नहीं, कोई ओवर टाइम में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता है तो थोड़ा सा हो सकता है सर, अगर पीएम में अगर आपको है तो वहाँ आप मतलब ना नहीं बोल सकते हैं अगर वैसा है तो। ओके, तो बाकी नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है? बाकी नॉर्मल टाइम ही रहता है, 9 से 5 का रहता है जी। अच्छा अच्छा, ये कह रहे थे कि थोड़ा ट्रांसफर की पॉलिसी बताइएगा कि मतलब अगर कोई आदमी दिल्ली लगता है तो क्या अगर वो अपने होम स्टेट ट्रांसफर कराना चाहे एमटीएस में
तो हो जाते हैं क्या ट्रांसफर का? नहीं नहीं, दिल्ली में अगर आपने जो जो अलॉट हुआ है या जो चूज किया आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए मेरा दिल्ली अलॉट हुआ है, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली डाला था, तो मेरी दिल्ली के अंदर ही ये ट्रांसफर होगी। मैं दिल्ली से चाहूंगा पटना जाना, तो पटना नहीं जा पाऊंगा। ओके, मतलब आपको पूरी सर्विस ही निकालनी पड़ेगी? जी जी, पूरी जिंदगी की सर्विस यही निकालनी पड़ेगी। ओके, मतलब ट्रांसफर नहीं है? नहीं, ट्रांसफर नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि प्रमोशन का हम देखें एमटीएस में, तो प्रमोशन का क्या रहता है एस्पेक्ट, मतलब एमटीएस में? प्रमोशन का वैसा कुछ है नहीं सर। तो एमटीएस में ज्यादातर 5 साल बाद एग्जाम देने के लिए, एलडीसी के लिए आपको मौका मिलेगा, बट प्रमोशन काफी न के बराबर ही समझे सर। नहीं है, हाँ। अच्छा अच्छा, तो बाकी वही है कि जो नॉर्मल आपका इंक्रीमेंट होता है। कभी कभी ऐसा भी है कि आप पूरी लाइफ एमटीएस ही निकल जाएगी। अच्छा, केवल हर साल की जो इंक्रीमेंट है वही लगती रहेगी। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है इसके। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई अगर इसको लेकर के, अगर मान लीजिए अभी एमटीएस का रिजल्ट आना है फाइनल, और अभी सीजीएल का भी आना है, तो जैसे मान लीजिए किसी का एमटीएस में भी होता है, सीजीएल में भी होता है, और एमटीएस को अगर वो ज्वाइन कर ले और सीजीएल को उसके 2-3 महीने बाद ज्वाइन करे, तो क्या लेकर के छोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जैसे नहीं, नहीं, उसके लिए बेटर रहेगा कि वो एमटीएस को जैसे ही ज्वाइन करे वैसे ही वो इंटीमेट करते कि मैंने ये एग्जाम दे रखी है और अगर इसमें आती है तो मुझे जाना होगा। अगर आपका अपर ग्रेड पे में जॉब लगता है तो आपको मिनिस्ट्री भी नहीं रोकेगी, कोई ऐसा इशू नहीं करते हैं, मतलब कोई इशू नहीं करते हैं, बिल्कुल आपको टेक्निकल दे दिया जाएगा। एक्चुअली अभी ये रिजल्ट आना है तो काफी लोगों की ये भी डाउट रहे हैं आपके, ठीक है, लेकिन ये चीज है कि आपको प्रायर इंटीमेशन जरूर देना है, पहले से देना पड़ेगा, तभी आपको टेक्निकल रेगुलेशन देंगे। बिल्कुल, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ देना ही होगा। ओके ओके, अच्छा कोई मैसेज देना चाहोगे जो एमटीएस का जो टेस्ट तैयार कर रहे हैं उनके लिए, आप बताना चाहोगे कुछ? बोलो। बिल्कुल, एमटीएस के जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी, ये भी कोई अच्छी काफी अच्छी जॉब है, मतलब एक बैकअप की तरह ही ले सकते हैं। ये तो कोई मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई अच्छा कैरियर है, बाकी सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है सर। और एक प्रेशर कम रहता है अपनी तरफ, और एक प्रेशर आपका कम है काफी। एक्चुअली मेरा 2 बार से हुआ नहीं था सीजीएल में, तो इसमें काफी मेरा प्रेशर रिलीज किया था। ओके, तो हाँ, फिर मैं जैसे दिल्ली लिया, दिल्ली में आकर थोड़ा टॉप एजुकेटर से क्लासेज ली, तो मैं तो क्लासेज भी लेता था, मतलब 5:30 तक ड्यूटी करके 6:30 से अभिनय शर्मा का क्लास रहता था, मैं किया। ओके, ओके, ओके। तो वैसे तैयारी करके मैंने फिर सीजीएल निकाला। ठीक ठीक, अच्छा सीजीएल से कौन सी पोस्ट का होप कर रहा है बता दो एक बार लोगों को। मैं तो सर सीएजी ऑडिटर देख रहा हूँ, अगर मिल जाए तो बेस्ट है, वैसे थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, बट बाकी सीजी अकाउंटेंट भी मिल जाए तो सही है। ओके ओके, चलिए ठीक है, फिर उम्मीद है कि आपको अपना पोस्ट मिल जाएगा, फिर जब आपको पोस्ट मिल जाएगा एक बार हम फिर आपसे बात करेंगे और वीडियो कॉलिंग अगली बार करेंगे, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर इतना आपका टाइम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।